छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने आज नगरीय निकाय चुनाव के कार्यक्रम घोषित किए। प्रदेश के 10 जिलों के 15 शहरों में निकाय चुनाव के लिए मतदान 20 दिसंबर को, 16 शहरों के 17 वार्डों में उपचुनाव के नामांकन की प्रक्रिया 27 नवंबर से ही शुरू होगी। 23 दिसंबर की रात तक मतगणना के बाद विजेता की घोषणा भी कर दी जाएगी। नवा रायपुर स्थित राज्य निर्वाचन आयोग कार्यालय में राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने बताया, चुनाव वाले शहरों और वार्डों में तत्काल प्रभाव से आचार संहिता लागू हो जाएगी। संबंधित जिला प्रशासन चुनाव की अधिसूचना 27 नवंबर को जारी करेगा। आम चुनाव के लिए 1000 और उपचुनाव के लिए 37 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। आपको बता दें कि इस बार भी नगरीय निकाय चुनाव बैलेट पेपर से कराया जाएगा। हालांकि नामांकन समेत अन्य प्रक्रियाएं ऑनलाइन ही पूरी कराई जाएगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया, पिछली बार सभी नामांकन ऑनलाइन प्राप्त किए गए थे। ये उम्मीदवारों के लिए भी आसान है। मतपेटियों की ढुलाई को सुविधाजनक बनाने के लिए आयोग ने एक झोला तैयार कराया है। मतपेटियों को उसी में रखकर मतदान कर्मी केंद्र पर ले जाएंगे। आम चुनाव के लिए 1000 और उपचुनाव के लिए 37 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने बताया, 15 नगरीय निकायों के 370 वार्डों में आम चुनाव होना है, वहीं 16 नगरीय निकायों के 17 वार्डों में उपचुनाव होगा। आम चुनाव में 7,78,420 मतदाता प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करने वाले हैं। इसमें 3,90,843 महिलाएं हैं। उपचुनाव में 26,896 मतदाताओं को वोट डालना। निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन कलेक्टर द्वारा किया जाएगा 27/11 प्रातः 10:30 10:30 सीटों का आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन 27/11 प्रातः 10:30 मतदान केंद्रों की सूची 27/11 प्रातः 10:30 नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करना 27/11 प्रातः 10:30 बजे से 3 बजे तक, इसका टाइम आगे भी फिक्स है कि अधिकतम टाइम ये। प्रदेश के 15 शहरों में आम चुनाव कराया जाएगा। इनमें नगर पालिका निगम बीरगांव, भिलाई, रिसाली और भिलाई चरोदा का चुनाव मुख्य है। उसके अलावा नगर पालिका सारंगढ़, बैकुंठपुर, शिवपुर, चर्चा, जामुन और खैरागढ़ में नई शहरी सरकार चुना जाना है। प्रेमनगर, मारो, नरहरपुर, गोंडा, भैरमगढ़ और भोपाल पट्टनम नगर पंचायतों में भी आम चुनाव होगा। 10 जिले हैं जहां आम चुनाव होने हैं, उसमें रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बेमेतरा, रायगढ़, कोरिया, सूरजपुर, कांकेर, सुकमा और बीजापुर। इसी के साथ 11 जिले ऐसे हैं जहां पर किसी न किसी वार्ड में, किसी नगर निगम में, नगर पालिका में या नगर पंचायत में उपचुनाव होना है। वो जिले हैं रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, दुर्ग, राजनांदगांव, बेमेतरा, महासमुंद, धमतरी, कोंडागांव, दंतेवाड़ा एवं कांकेर। तो कल आप सब विदित जानते हैं कि हमने उन जिलों के कलेक्टर एसपी को भी बुलाया था, उनसे हमारे विस्तार से विचार विमर्श हुआ है और आयोग संतुष्टि कल हुई है कि अब निर्वाचन संपन्न कराए जा सकते हैं। इन तारीखों पर कुछ शहरों में वार्डों का उपचुनाव कराया जाना है। ये सीटें पार्षदों के निधन से खाली हुई है। उपचुनाव वाले शहरों में बिलासपुर, रायगढ़ और राजनांदगांव नगर निगम भी शामिल है। इसके अलावा गोबरा, नवापारा, थान खमरिया, बेमेतरा, कोंडागांव और बड़े बचेली नगर पालिका में उपचुनाव होना है। नगर पंचायत बसना, कुरेद, मगरलोड, उतई, देवकर और केशकाल के वार्डों में भी उपचुनाव संपन्न